तो दोस्तों अभी हम लोग रूम पर से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए बड़ा इमामबाड़ा। वैसे आज मौसम एकदम चौचक हुआ है घूमने लायक, एकदम कोहरा ही कोहरा है। इसी दिन का इंतज़ार था कई महीनों से और वो दिन आज आ गया। पहुंच चुके हैं आलमबाग, चलते हैं यहाँ से मेट्रो का टिकट लेते हैं। अजयगंज पहुंच चुके हैं, अब करते हैं यहाँ से रिक्शा और चलते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बड़ा इमामबाड़ा, ये जस्ट हमारे सामने ही है। मैं पहुंच जाता हूं गेट पे और वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देता हूं, लेकिन वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे वीडियो शूट करने से मना कर दिया। जैसा कि मैं अभी वीडियो बना रहा था, मुझे ये लोग फिर मना कर दिए। ये लोग कैमरा अंदर ले जाने ही नहीं दे रहे, वो बोल रहे थे वीडियो डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो। तो मैंने इन्हें बोला कि मैं वीडियो शूट ही नहीं किया हूँ, डिलीट कहाँ से करूँ। तो ये लोग बोले कैमरा तुम रख दो और टोकन लो, उसके बाद ही तुम, और लेकिन मोबाइल से वीडियो नहीं बनाना है तुम्हें, मुझे ऐसा इन लोगों ने कहा। तो चलता हूँ लेकिन फ़ोटो तो खींचूँगा, हो सकेगा उतना मैं कोशिश करूँगा शूट करने की। मोबाइल से फ़ोटो तो खींचने को अलाउ कर रहे हैं लेकिन वीडियो को नहीं, मोबाइल में वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। देखते हैं अंदर क्या होता है। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया और आसफ़ इमामबाड़ा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण अवध के नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में करवाया था। इमामबाड़े के अंदर आने के 45 सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद आप पहुंच जाएंगे भूल भुलैया के पास। इमामबाड़े के 330 मीटर की भूल भुलैया में 4 रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता बंद है और 3 रास्ते खुले हुए हैं। और जितना आप भूल भुलैया के नीचे जाएंगे उतना ही आप फंसते जाएंगे, जितना आप ऊपर आएंगे उतना ही आप बाहर निकलते जाएंगे। 1773 में एक अकाल पड़ा था जिसमें वहाँ की जनता भूख से मर रही थी। तब इमामबाड़े के नवाब ने सोचा कि क्यों ना एक इमामबाड़ा बनवाया जाए। तब 22,000 मजदूर ने मिलकर 11 साल तक काम करके ये इमामबाड़ा बनाया, जिसमें यह हर सुबह इमामबाड़ा बनवाया जाता था और हर शाम तोड़वाया जाता था। पहले मजदूर कम थे तो इमामबाड़े को ज़्यादा तोड़ा जाता था, जैसे जैसे मजदूर बढ़ते गए वैसे वैसे बनाया जाता जाता था, तोड़ा कम जाता था। यह धीरे धीरे जाकर 1784 में इसका निर्माण पूरा हुआ। दीवारों के कान, इमामबाड़े की दीवार को कुछ इस तरह से बनाया गया था, अगर एक कोने से कोई आदमी आवाज़ देता है तो दूसरे कोने का आदमी उसे आसानी से सुन सकता था। साई बावली कुआं, जब कोई गेट से चल के आता था तब साई बावली कुआं के पास खड़ा आदमी उसे देख सकता था, लेकिन गेट से आता हुआ आदमी उसे नहीं देख सकता था। इसे पुराने ज़माने का सीसीटीवी कैमरा भी कहते थे। यह जो बावली थी यह गोमती नदी से जुड़ी हुई थी और इस बावली में जो है गोमती नदी का पानी इकट्ठा होता था। अभी हम लोग बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया और बावली कुआं घूम कर आ रहे हैं, लेकिन वैसे अगर कहें तो मज़ा ही आ गया घूमने में। मतलब ऐतिहासिक जगह थी, अच्छा लगा घूमकर। और अभी हम लोग जा रहे हैं छोटा इमामबाड़ा पिक्चर गैलरी। मैंने पूछा वीडियोग्राफी यहाँ पे अलाउ है कि नहीं, ये लोग बता रहे हैं कि वीडियोग्राफी कहीं पे भी अलाउ नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ का अफसोस था, ये जो कैमरा मेरे पास नहीं था क्योंकि यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो फ़ोटो खाली मैं क्लिक किया हूँ और मतलब कुछ वीडियोस बनाया हूँ, उतनी अच्छी बनी नहीं है फ़ोन से, लेकिन जो भी है वो आपको देखने को मिला होगा। अभी ये जो सामने मेरे है यह रूमी दरवाज़ा है और नवाब आसफुद्दौला ने यह दरवाज़ा 1784 से 1786 ईस्वी में अकाल के दौरान बनवाया था ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। रूमी दरवाज़ा कॉन्स्टेंटिनोपल के दरवाज़ों के समान दिखाई देता है। यह इमारत 60 फीट ऊंची है। अभी हम लोग जा रहे हैं छोटा इमामबाड़ा और पिक्चर गैलरी। यहाँ पे भी उन्होंने बताया है कि वीडियोग्राफी नहीं अलाउ है, खाली आप फोटोग्राफी कर सकते हो। वैसे घूमने लायक अच्छी जगह है, लेकिन मतलब वीडियोग्राफी वाला जो मतलब ये लोग मतलब वीडियोग्राफी पे रोक लगा के इन लोग ने,
मतलब थोड़ा मजा ख़राब कर दिया, नहीं तो वीडियोग्राफी रील्स वील्स अच्छी बनती सिनेमेटिक। क्योंकि ऊपर हम लोग जब गए थे बड़ा इमाम बाड़ा के ऊपर, तो वहाँ से व्यू जो था बहुत ही खूबसूरत आ रहा था, पूरे कैंपस का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा रूमी दरवाज़ा, यस, यह जो है यह 60 फीट ऊंचा है।